कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आई कमी के बाद अब यूपी सरकार ने फिर से अस्पतालों में बंद पड़ी जनरल ओपीडी सेवाओं को आम जन के लिए बहाल करने का फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेशनल, आपके संग मेहरपाले सिंह। देश में कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में आती नजर आ रही है। देश भर में कोरोना मामलों में कमी आई है। यूपी में भी पिछले दो महीनों में पहली बार 1500 से कम नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आई कमी के बाद अब यूपी सरकार ने फिर से अस्पतालों में बंद पड़ी जनरल ओपीडी सेवाओं को आम जनमानस के लिए बहाल करने का फैसला लिया है। यूपी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड गाइडलाइंस के तहत ओपीडी की आज से शुरुआत होने जा रही है। पिछले लगभग दो माह से आम जनमानस के लिए ओपीडी सेवाएं बंद है। कोरोना की दूसरी लहर की चाल मंद होने पर शासन ने ओपीडी सेवाओं को आम जन के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। नए निर्देश के अनुसार सर्जिकल ओपीडी को भी शुरू कर मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे ताकि गर्भवती महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिनमें उन्होंने मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में आने वाले जनरल ओपीडी में एक सीमित संख्या में मरीजों की अनुमति के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में कहा गया है कि मरीज ई संजीवनी ऐप के जरिए डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श लें, केवल विशेष परिस्थितियों में ही मरीज अस्पतालों की ओपीडी का रुख करें। इसके अलावा निर्देश दिया गया है कि सभी सामुदायिक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जाए। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।